पतंजलि जिस रफ्तार से बढ़ रही है, दूसरी एफएमसीजी कंपनियों के लिए एक बड़ा खतरा बन रही है। आज पतंजलि ने अपने सालाना आय के आंकड़े पेश किए। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले पतंजलि की आय दोगुनी हुई है। वित्त वर्ष 2017 में कंपनी की आय 5,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,561 करोड़ रुपए हो गई है और इसमें पतंजलि आयुर्वेदा की आय 9,346 करोड़, दिव्या फार्मेसी की 870 और पतंजलि ग्राम उद्योग की आय 345 करोड़ है। दंत कांति, केश कांति, सरसों का तेल, आटा और शहद से पतंजलि को अच्छी खासी आमदनी हुई है। आज की सालाना बैठक में पतंजलि ने टेक्सटाइल और रेस्टोरेंट बिजनेस में भी उतरने का ऐलान किया है। उनसे खास बातचीत की मेरे सहयोगी समीर दीक्षित ने। एक बार फिर से तमाम नए प्रोडक्ट के साथ आप आ रहे हैं, जाहिर बात है कॉम्पिटिटर्स के दिलों में हलचल तो आप मचाने वाले, क्या नए प्रोडक्ट के साथ आप फिर से दाखिल होने वाले हैं? देखिए, फूड में हमने 5 verticals को एक बहुत बड़ा विस्तार देने का सोचा है, जिसमें हमारा आटा और शुगर बहुत बड़ा ब्रांड होगा। 1,00,000 टन प्रति महीना आटा, 1,00,000 टन से ज़्यादा प्रति महीना बिस्किट, 1,00,000 टन से ज़्यादा फिर ऑयल्स, जिसमें फिजिकल रिफाइंड ऑयल, जिसमें राइस ब्राउन ऑयल, फिर जो है ग्राउंड नट ऑयल, फिर सोयाबीन ऑयल भी फिजिकली, फिर ऐसे सनफ्लावर, फिर साउथ में हमारा जो उधर बहुत ज़्यादा खाते हैं मूंगफली का तेल, तो घी एंड ऑयल, फिजिकल ऑयल खास करके, फिजिकल रिफाइंड ऑयल, राइस ब्राउन ऑयल तो अद्भुत होता है और उसमें प्राकृतिक तत्व रहते हैं। फिर राइस स्पाइस एंड पल्सेज, राइस में करीब 48 से 50 प्रकार के हम SKUs लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें 18 प्रकार के अलग अलग क्वालिटी हैं चावल की। तो उसका तो स्लोगन ही हमने रखा है, पतंजलि नाइस सबसे नाइस। सर, इसके अलावा हम सुन रहे हैं कि पतंजलि अब रेस्टोरेंट में भी उतर रही है और अब सोशल मीडिया पे तो बकायदा एक रेस्टोरेंट की तस्वीर भी वायरल हो गई थी। अरे वो तो ऐसे किसी ने बना दिया था कि भाई मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ। अभी विधिवत पतंजलि अपना मतलब मॉडल इसका लॉन्च करेगा, वो भाई प्रस्ताव लेकर के आए थे, ऐसे कोई अजनबी नहीं है, लेकिन अभी जो है इसके ऊपर काम चल रहा है। वो उसके ऊपर ट्रायल करने के लिए उनको बोला था आचार्य जी ने, उसने रेस्टोरेंट ही खोल दिया। परिधान में क्या योजना है आपकी? परिधान में भी किड्स से लेकर के, लेडीज से लेकर के, जेंट्स से लेकर के, देसी से लेकर के विदेशी तक, कच्छा से लेकर के कोट तक, लंगोट से लेकर के और अंडरवियर तक सब कुछ बनेगा।